ये इधर मोहभट्टा है, रेल फाटक पर के आप जा सकते हैं, मोहभट्टा गांव, ग्राम मोहभट्टा। और ये आपको कुकराचुंद हमारे दाहिने साइड, और हम सीधा भाटापारा के लिए चल रहे हैं। हमारा ये है आपके बाएं साइड है केनाल, सिंचाई केनाल रोड। ये केनाल रोड है, जो वो मेन्स नहर है वो हमारे बाएं साइड है, सिंचाई नहर। उसी के समानांतर ये रोड भाटापारा तक बनाया जा रहा है, जो हमारे लिए समझिए गांव के अंदर से जाने की जगह बाईपास रोड टाइप का, सीधा भाटापारा पहुँच। और इसका अभी देखिए काम चल रहा है, अभी टाइम लगेगा बनने में पूरा। वैसे अभी बरसात में चलना इसमें खतरनाक है, देख जैसे कि आप देख रहे हैं पानी भरा हुआ किनारे में, कीचड़ है, तो जिस दिन पानी गिर तो चलने मुश्किल रहा होगा इसमें। पर अभी हमारे यहाँ एक हफ्ते से पानी गिर नहीं रहा, तो चालू हो गया है ट्रैफिक इसमें। जगह जगह पुल का नहीं काम चल रहा है, तो सड़क पार हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता नहीं, देखते हैं पास जाके। हो जाएगा हो जाएगा, पगडंडी है वहाँ पर, खतरनाक हो गया रोड पूरा काला मिट्टी, इसलिए अभी फिलहाल मत आने का सोचिएगा मत दोस्तों, क्योंकि अभी ये रोड चलने के लायक अभी नहीं बना है, तो खासकर अभी बरसात में तो बिल्कुल नहीं। अरे देखिए कैसा है अभी, खतरनाक रोड है, अभी काम चल रहा है दोस्तों, 4-6 महीने में तैयार हो जाएगा। ये सब जो पुल दिख रहे हैं ये मेन नहर से जो पानी निकासी है नाली उसका है, जब कल के दिन ये नाली खुलेगा तो पानी खेतों में जाने के लिए रास्ता चाहिए ना, तो इसी के लिए पुल बन रहा है। देखिए इधर का सड़क का हालत थोड़ा ठीक है, ये देखिए हमारे बाएं साइड देखिए रेलवे लाइन है, यहाँ मालगाड़ी चल रहे हैं। और देखिए यहाँ पे गिट्टी बिछा हुआ है, यहाँ तक बिछा दी जाएंगे गिट्टी। लास्ट टाइम आया था तो इसको दबाया नहीं गया था, तो दबा भी दिया गया उसमें, अब बाइक आराम से चल रहा है इसमें। देखिए दोस्तों इधर पानी गिरे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गिट्टी डाल दिया गया है, तो कीचड़ नहीं होने देता सड़क। और हमारे देखिए बाहें साइड नहर गुजर रही है, यही आपको नया रोड दिखाने के लिए इस रास्ते पर आए हैं दोस्तों, भाटापारा जाने के लिए शॉर्ट का रास्ता। कुछ कुछ हिस्सा भी नया बन रहा है तो वो अभी ख़राब है, बाकी रोड देखिए कितना शानदार है, जब पक्की हो जाएगा तो कितना हो जाएगा जोरदार रोड। अभी हम मझगांव के समानांतर निकल रहे हैं दोस्तों, बाहर से मझगांव के, तो हमारे दाहिने साइड है मझगांव, ग्राम मझगांव। और इस नहर के आपको नहर के ऊपर से आपको दिखाया था भाटापारा के लिए सीधा रास्ता, उसी के समानांतर ये सड़क बन रही है दोस्तों, इसको कहना चाहिए तो आप केनाल रोड कह सकते हैं, हदबन या धोधावा या भाटापारा। देखिए इधर पूरा गिट्टी ना बैठ गया है, इधर देखिए पानी का कोई खास फर्क पड़ा, इधर नाली निर्माण चल रहा है, नहर और सड़क के बीच में बाउंड्री वॉल टाइप का समझिए, ताकि नहर से इसको क्षति मत पहुँचे सड़क को, या सड़क की वजह से नहर को क्षति होती है इसलिए। अभी देखिए यहाँ से आपको मझगांव का रास्ता, पुराना रास्ता मझगांव बोरतरा रोड फिर से इस रोड में मिल रहा है, इस रोड में मिल गया यहाँ से। पहले हम मझगांव वाले रोड से आते थे, क्योंकि ये रास्ता तो था नहीं, और गर्मी में नहर का रोड यूज़ करते थे भाटापारा जाने के लिए। तो मझगांव ग्राम से निकल चुके हैं दोस्तों आउटर से, और ये देखिए यहाँ हमारे दाहिने साइड से एक रोड
गया है तो यही पुराना रोड है दोस्तों, ग्राम बोरतरा के लिए मझगाँव बोरतरा रोड, और ये है आपका नया भाटावाड़ा रोड जिसमें हम अभी चल रहे हैं नहर के समानांतर। बरसात में क्या नज़ारा हो गया दोस्तों, पेड़ पौधे हरे हो गए, घास हो गया, हरियाली ही हरियाली दिखती है। जगह जगह ब्रेकर टाइप के कुछ बनाया गया है, ब्रेकर है कि पुल है पता नहीं चल रहा है, ब्रेकर ही ऐसा लगता है। अभी नाली का निर्माण काम चल रहा है नहर की तरफ। और इस तरह हम लोग कितना जल्दी बोरतरा गाँव के सीमा में आ जाते हैं दोस्तों। वो सड़क था एकदम घुमावदार जलेबी टाइप, और ये है सीधा स्ट्रेट जिसमें ये रोड शानदार हो जाएगा। तो सोचिए कितना स्पीड से आदमी जितना ट्रेन में जाते हैं ना, ट्रेन से जितना टाइम लगता है हथुबन से भाटापारा, उससे भी शायद कम टाइम इसमें लग जाएगा या लगभग उतना ही लगेगा, 15 मिनट या 20 मिनट का रास्ता भाटापारा। ये आपके आपको बोरतरा का रास्ता सड़क, इसको का अभी फिलहाल काट दिया गया है। और ये है आपका दावनपुर जाने का रास्ता, आप पुल पार करके दावनपुर ग्राम दावनपुर जा सकते हैं रेलवे फाटक क्रॉस करके। हमारे दाहिने साइड है आपका बोरतरा ग्राम बोरतरा, और बाएं साइड आप दावनपुर के लिए रेलवे क्रॉसिंग कर पार करके आप जा सकते हैं दावनपुर। वही मोहट्ठा रोड दावनपुर से आप फिर वापस मोहट्ठा रोड जा सकते हैं। ग्राम बोरतरा के समानांतर चल रहे हैं दोस्तों अभी। ग्राम बोरतरा हमारे दाहिने साइड है, इसके समानांतर हम चल रहे हैं बाहरी बाहर से आपके भाटापारा के लिए। देखिए जा रहा है ट्रैक्टर स्टाइल बड़ा फावड़ा। इधर गिट्टी का एक लेयर बिछा दिया गया है, इसकी वजह से आप आराम से पारोमासी टाइप के स्टाइल से चला सकते हैं दोस्तों गाड़ी। ये है बोरतरा जाने का रास्ता है, इधर शायद टिकुलिया फाटक होगा, ये ग्राम टिकुलिया जाने का रास्ता हमारे बाएं साइड से, और ये एक दुकान बन रहा है इस रास्ते में। देखिए यहाँ से अब पक्की सड़क चल रही है दोस्तों, ग्राम बोरतरा के आगे ग्राम गाड़ा दी पड़ता है दोस्तों। उधर से आप जाएंगे तो सुंदर बस्ती के रोड से, तो अभी हम गाड़ा दी के समानांतर हैं ग्राम गाड़ा दी के। यहाँ से कच्ची रास्ता गया है ग्राम गाड़ा दी के लिए। देखिए दोस्तों ये रास्ता गया है आपका ग्राम गाड़ाडी, यहाँ से सुर्खी है 6 किलोमीटर, और आगे आपको मिलेगा आपका सिद्ध बाबा रेलवे फाटक गेट, जो आपका भाटापारा शहर का बाईपास रोड का रेलवे फाटक है। और आपको मैं बता दूँ ये जो रेलवे लाइन हमारे समानांतर चल रहा है, ये आपका हावड़ा मुंबई मेल लाइन है, या लोकल एरिया में
कहें तो रायपुर बिलासपुर का मेन लाइन है और हम भाटापारा के आउटर लगभग पहुंच चुके हैं। सिद्ध बाबा गेट रोड पहुंचने वाले हैं। कहीं कहीं रोड थोड़ा अजीब सा है, गड्ढा है क्या। देखिए पूरा राइस मिल रही, राइस मिल दिख रहा है। ये राइस मिल जो एरिया दिख रहा है या आपका सुर्खी है, नहीं नहीं खोखली, ग्राम खोखली दोस्तों, सॉरी सुर्खी नहीं, ग्राम खोखली है। और हम ग्राम खोखली की तरफ घूमेंगे क्योंकि हम आज भाटापारा बाईपास दिखाने वाले हैं। जो आपको सीधा सुर्खी वाला वो तो दिखा चुका हूँ, पर आपको ये आज का और नया जो कुछ नहीं, जब से बना था तब से बंद था, तो वो देखने। देखिए आगे खोखली चौक है, ढाबाडी के लिए आपको